दर्शन दवे यानी कि टीवी सीरियल घर एक सपना में सुजीत का किरदार निभाने वाले अभिनेता। आज अपने इस वीडियो में मैं करूंगी उनसे जुड़ी कुछ खास बातें और बताऊंगी आपको उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं दर्शन और उनकी लाइफ को थोड़ा करीब से। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्शन की फैमिली और उनकी पढ़ाई के बारे में। दर्शन का जन्म जयपुर में हुआ और उनकी शुरुआती पढ़ाई भी जयपुर से ही हुई। उन्होंने SMS स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, साथ ही साथ महाराजा कॉलेज से उन्होंने BSc की। इसके बाद दर्शन बॉम्बे आ गए और यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में मास कॉम का कोर्स किया। अब बात करते हैं दर्शन के माता पिता की। दर्शन के पिता रहे डॉक्टर रविकांत दवे और दर्शन की माँ रही डॉक्टर प्रेम दवे। दर्शन के पिता तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दर्शन की माँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम करती है। इतना ही नहीं, उन्हें 2018 में दिल्ली में भारत ज्योति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं दर्शन के एक्टिंग करियर की। लीड एक्टर के तौर पर घर एक सपना में सुजीत का किरदार निभाकर दर्शन ऐसे लोकप्रिय हुए कि आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। घर एक सपना के अलावा भी दर्शन कई टीवी सीरियल्स में नज़र आए, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बेगूसराय, मन में है विश्वास और रिश्ते। इतना ही नहीं, घर एक सपना के लिए उन्हें ITA यानी इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का 3 बार नॉमिनेशन मिला। साथ ही साथ ITA जूरी की तरफ से वे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। ये तो थी दर्शन के एक्टेड सीरियल्स की बात, पर दर्शन एक बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ साथ सिंगर, राइटर, कंपोजर और सिनेमाटोग्राफर भी हैं। इसके अलावा दर्शन जैसे किताबों में मिले नाम के थिएटर प्ले में भी लीड एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। एक्टिंग में आने से पहले दर्शन कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुके हैं, जैसे इजी ऑफ बैंक क्लीनर और रिवाइटल कैप्सूल्स। अब दर्शन के करियर से जुड़ी वो बात जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मशहूर एक्टर देवानंद, उनकी फिल्म मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो कि 2005 में आई थी, इस फिल्म में दर्शन ने लिरिक्स भी दिए थे और म्यूज़िक भी। जी हाँ, इसका मतलब दर्शन देवानंद के साथ भी काम कर चुके थे। दर्शन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद उन्हें वर्सेटाइल पर्सनालिटी कहना गलत नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम आज दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन दवे फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के ओनर हैं। साथ ही साथ वह YouTube, Facebook जैसी साइट्स पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इतना ही नहीं, YouTube पर दर्शन का दर्शन दवे फिल्म्स एंड म्यूज़िक नाम से YouTube चैनल भी है। दर्शन दवे फिल्म्स एंड म्यूज़िक, उनके YouTube चैनल में दर्शन ने कई गाने कंपोज किए हैं, साथ ही गाए भी हैं। और इस YouTube चैनल में शिल्पा शिंदे भी दर्शन के साथ एक गाने में नज़र आती हैं। साथ ही साथ दर्शन की मां प्रेम दवे ने भी इस चैनल में एक गाना गाया है। इसके अलावा दर्शन निजी जीवन में बेहद सहज हैं और अपने माता पिता के शुरुआत से ही बेहद करीब रहे हैं। एक स्थान पर दर्शन ये भी बताते हैं कि कभी ये मत कहो कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, बल्कि गर्व से ये कहो कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। एक इंसान और इतनी प्रतिभाओं का धनी, तो उसे सुपरस्टार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये थी जानकारी एक्टर दर्शन दवे के बारे में। कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।